जयपता का स्वामी नानी नमो आचार्य पादाय आचार्यपा गौर गौरकतः धामदाय नगर ग्रामताय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी वेदातस्वामीनीतिना नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातणी जय कृष्ण चैतन्य प्रभो भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण स्वागत है आप सभी का इस कौन मायापुर हिंदी के इस ब्रह्म संहिता की श्रृंखला में और इस्कॉन मायापुर हिंदी के इस प्रसारण में तो चार दिनों का सेमिनार लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जो ब्रह्म संहिता पर आधारित है हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की जो स्तुति की गई है उसी को ब्रह्म संहिता कहा गया है यदि भी भागवत में भी ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है लेकिन ये जो ब्रह्म संहिता के श्लोक हैं, और जो पूरी की पूरी ब्रह्म संहिता है वो अपने आप में अद्भुत है तो क्यों ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता का निर्माण किया किन कारणों से उन्होंने भगवान की स्तुति की क्या उस समय उनकी मनोस्थिति रही होगी भगवान के किन गुणों से प्रभावित होकर के उन्होंने इतनी सुंदर ब्रह्म संहिता का निर्माण किया तो इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे तो हम सभी जानते हैं सृष्टि के प्रारंभ में केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे तो जब जब भगवान के द्वारा ये भगवान के अंदर भाव उत्पन्न हुआ कि एको हम बहु श्यामा मैं एक हूं एक से अनंत हो जाऊं तो जब ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भगवन का भागवतम का जो ज्ञान दिया था चार श्लोक श्रीमद् भागवतम में। अहमेवा समेवाग्रे नत सत्सत्परम पश्चाद यदि तच्चिष्यत यत ऋतेथ यतीय न प्रतीयत चात्म मायम यथा भासो यथा तमा यथा महंती भूताषु भूतेषु वचे नु प्रविषा तथा तेषु न एतावद जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्म अन्वय सर्वदा जो चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने प्रकट किया था तो वो जो है वो पूरी भागवत का क्या है सार है सार तत्व है कोई अगर आ, सोचता है कि काश मुझे भागवतम के पूरे अठारह हजार श्लोक याद होते अगर तो वो नहीं कर सकते तो आप ये इन चार श्लोकों को जो है हृदयस्थ कर लीजिए कंठस्थ कर लीजिए तो आपको पूरी और प्रत्येक दिन अगर आप इन चार श्लोकों का पाठ करेंगे तो आपको पूरी भागवत पाठ करने का लाभ प्राप्त होगा तो जिस प्रकार इन चार श्लोकों में पूरी भागवतम का सार है उसी प्रकार भागवतम का जो संक्षेप सार है उसका वर्णन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने किया है मतलब ओवरऑल हम समझे तो भगवान के रूप माधुरी गुण माधुरी सब कुछ का वर्णन इस ब्रह्म संहिता में है किस प्रकार भगवान का धाम है वो दिव्य धाम कैसा है वहां क्या क्या है उस धाम की शोभा कैसी है भगवान का स्वरूप कैसा है और उनकी लीलाएं कैसी होती है दिव्याति दिव्य उस पूरी भगवान से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं भगवान का जो है वो भागवत है यानी कि भागवत का ही सार है ब्रह्म संहिता भगवान का नाम भी भागवत है भगवान का रूप भी भागवत है भगवान की लीला भी भागवत है भगवान का धाम भी भागवत है भगवान के भक्त भी भागवत हैं। तो भागवत का सार है ब्रह्म संहिता तो जब ब्रह्मा जी को पूर्व ज्ञान का प्रकाश हुआ था तो ब्रह्म संहिता में ये जो हम हमारे पास जो उपलब्ध है श्रीमन महाप्रभु की कृपा से हमको ये जो पांचवा अध्याय ब्रह्म संहिता का प्राप्त हुआ है उस पांचवे अध्याय के उनतीसवें श्लोक से लेकर 56वें श्लोक तक यानी 28 श्लोक (29 टू 56 इन 28 में जो ये जो श्लोक हैं उनमें भगवान के धाम के सौंदर्य का भगवान के सौंदर्य का भगवान की लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है तो जब ब्रह्मा जी को वो जो अनुभव प्राप्त हुए ईश्वरीय अनुभव भगवान के ऐश्वर्य का जब उनको अनुभव प्राप्त हुआ तो उन्होंने लिखा है कि ब्रह्म संहिता का जो मूल मंत्र है जो इस पुस्तक के प्रथम में ही है प्रथम ही श्लोक है कि ईश्वर परम कृष्ण परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम पूरा सार तत्व है ये पहला ही श्लोक तो ये जो ब्रह्म संहिता हमारे पास उपलब्ध है ये श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के द्वारा ये उसका टीका लिखा गया है उसका ये सार तत्व है पूरा तो ब्रह्मा जी पहले ही श्लोक में कह रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सारे संशय यहाँ पर मिट गए एक तीन शब्दों में ही ईश्वर परम कृष्ण इतने में ही संशय समाप्त हो गया कि कृष्ण ही एकमात्र भगवान है लोगों को बहुत संशय रहता है कि, कि किस देवता की पूजा करें ऐसा तो नहीं कि हम पहले हमारे घर में किसी देवता की पूजा होती थी अब हम अगर कृष्ण की भक्ति में आ जाएंगे तो वो देव हमसे नाराज हो जाएंगे हमको अभिशाप देंगे या हमारे जीवन में कष्ट आएगा अपशगुन होंगे इत्यादि जैसे कि ब्रजवासियों के साथ हुआ था कि कृष्ण के कहने पे गोवर्धन की पूजा तो कर ली लेकिन अब इंद्र कुपित हो गए तो उस प्रकार हमारे साथ भी अगर हुआ कि अगर हम हम जिस देवता की पूजा करते आ रहे हैं हमारी कुल की परंपरा के अनुसार देवी की पूजा होती है या किसी भी देव की पूजा होती है शिव जी की होती है भैरव की होती है या जो भी अगर हम उनको छोड़ के कृष्ण भक्ति के पथ पर आ जाएंगे जैसा कि इसको दुनिया के कोने कोने में प्रचार कर रहा है तो लोग संशय में हैं कि अगर हम हमारे जो देव हैं उनको छोड़ करके कृष्ण की शरण में आएंगे तो वो देव नाराज हो जाएंगे फिर ना तो हम घर के रहेंगे ना घाट के बीच में लटक जाएंगे आधार में तो इस एक शब्द के इन इस एक छोटी सी लाइन के द्वारा ही ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कर दिया है ईश्वर परम कृष्ण कि ईश्वर अगर कोई है तो वो सिर्फ कृष्ण है बाकी सब उन उनके कर्मचारी हैं उनके प्रशासन में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं हम्म उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भगवान की इच्छा है सृष्टि का पालन हो सृष्टि का पालन हो सृजन हो संहार हो तो उसके अनुरूप वो अपने आप को विस्तारित करते हैं भगवान कृष्ण स्वयं तो मूल तो कृष्ण ही है सबका मूल सभी जो देवी देवता है उनका मूल तो कृष्ण है Hmm. तो हमारा जो हिंदी टॉक शो है उसमें भी प्रश्न करते हैं लोग कि हम अगर कृष्ण की पूजा करेंगे और हमारे जो घर में देवी देवता की पूजा होती है जो नियम पहले से हैं उसको अगर हम पालन नहीं करेंगे तो घर वाले रुष्ट हो जाएंगे या वो देवी देवता रुष्ट हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे देवी देवता अपने कार्य के माध्यम से कृष्ण की ही प्रसन्नता चाहते हैं आ, सूर्य रोज सूर्य देवता रोज आते हैं प्रकाश फैलाते हैं ये कृष्ण की इच्छा से कर रहे हैं वो कृष्ण को प्रसन्न करने कृष्ण ने आदेश दिया है तो वो सभी देवी देवता भी तो कृष्ण की आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं तो हम जिन देवी देवता को पूजते हैं वो भी किसी की आज्ञा के पालन में अगर लगे हुए हैं तो हमको तो सीधा उन्हीं तक पहुंचना चाहिए ना अच्छा यही होगा कि हम वो देवी देवता भी जिनको पूजते हैं देवी देवता भी जिनको पूजते हैं हम क्यों ना उन्हीं तक पहुंच जाए सीधा तो देवी देवता भी प्रसन्न होंगे हाँ। तो आगे कह रहे हैं सच्चिदानंद विग्रह भागवतम में भी श्लोक है कि सच्चिदानंद वि... सच्चिदानंद रूपा हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री वयम नमः। तो उस श्लोक के माध्यम से भी कृष्ण को ही इंगित किया गया है हम्म तो ब्रह्मा जी का जो ये जो स्तुति का जो ऑब्जेक्ट है वो कृष्ण है वो किसी देव की उपासना नहीं कर रहे हैं वो मूल की उपासना कर रहे हैं बात भी सही है कि जो जड़ है हमको जड़ को सींचना चाहिए अगर हम पत्तियों को फलों को फूलों को तने को पानी देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है एक दिन वो वृक्ष सूख जाएगा इसलिए अच्छा यही है कि हम जड़ को पानी दें जड़ को पानी देना अर्थात कृष्ण की भजना करना तो आगे कह रहे हैं अनादि आदिर गोविंद ऐसे गोविंद ऐसे परम ईश्वर कृष्ण गोविंद जो अनादि है सब सबका मूल स्रोत है सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि मैं ही सबका कारण हूं तो वो कृष्ण ही तो बोल रहे हैं ना तो कृष्ण ने स्पष्ट रूप से अपने आप को उजागर किया है और ये जो द्वापर था ये जो अट्ठाईसवा द्वापर इस मनवंतर के 28वें द्वापर में कृष्ण आए हैं स्वयं सर्वोच्च ईश्वर कृष्ण उनसे ऊपर कुछ नहीं है उनके बराबर कुछ नहीं है उनसे आगे कुछ नहीं है बस वो ही एकमात्र ईश्वर है तो उन्हीं कृष्ण की आराधना इस ब्रह्म संहिता के द्वारा ब्रह्मा जी कर रहे हैं तो जो परम सत्ता है वो केवल कृष्ण ही है हम सभी जानते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो असीम है यद्यपि बहुत से लोग नहीं भी जानते क्योंकि जो केवल विज्ञान विज्ञान की बातों पर यकीन करते हैं और सिर्फ वैज्ञानिकों की मनगणंत कल्पनाओं पर विश्वास करते हैं वो नहीं जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये केवल हमारी दृष्टि में लग रहा है कि ये एक ही पृथ्वी है और इस प्रकार से अनेकों अनेकों पृथ्वियाँ हैं अनेकों है। अनेकों अनेको ब्रह्मांड में इसी प्रकार से चौदह लोग हैं इसी प्रकार से ब्रह्मा जी हैं शिव हैं हर ब्रह्मांड का एक एक तो इस जगत में जो भी मालिक है या मालकिन है इस इस जगत की जिसमें हम रह रहे हैं मृत्यु मृत्यु लोक इसकी मालकिन है महामाया जिनको हम दुर्गा नाम से भी जानते हैं शिव की जो शक्ति है वो इस लोक की अधिष्ठात्री हैं और उनके भी मालिक हैं यानी कि कृष्ण परम ईश्वर यानी इस जगत और इसके अलावा सबके स्वामी केवल कृष्ण हैं केवल कहा है पर केवल कृष्ण ही हैं सबके स्वामी और उनका रूप है सच्चिदानंद तो बहुत से लोग देवी की आराधना करते हैं और वो सोचते हैं कि बस यही सार तत्व है लेकिन वो देवी भी किसी के अंदर में काम कर रही है किसी के निर्देश का पालन कर रही है वो कौन है वो कृष्ण है अनादिरादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम इस ब्रह्म संहिता के अध्ययन से हमें कृष्ण के विषय में बहुत कुछ जानने को मिलता है कि आखिर कृष्ण है कौन उनका धाम कैसा है वो रहते हैं वो जगह कैसी है उनके आसपास कौन रहता है उनके साथ कौन कौन है उस धाम में ये सब जानने को मिलता है हमें ब्रह्म संहिता के माध्यम से तो जैसे हम सब जानते हैं हम सब आते हैं तो हमारे पीछे हमारे माता पिता कारण रूप होते हैं और हमारे पिता के कारण उनके उनके पिता होते हैं उनके पिता के कारण उनके पिता होते हैं तो हमारे आने का जो कारण है वो हमारे पिताजी हैं हम्म तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का कारण भी उनके पिता हैं जो कि हैं विष्णु नारायण श्री हरि तथा तो उनके भी पीछे वासुदेव हैं और उनके भी पीछे सर्व कारण कारण है कृष्ण अब उनका कारण कोई नहीं है क्योंकि कृष्ण शब्द जहां आ गया सर्व कारण कारणम दो टूक कह दिया ब्रह्मा जी ने सर्व कारण कारणम कृष्ण का और कोई कारण नहीं कृष्ण ही सबका कारण है सबका मूल है सबकी जड़ है इसीलिए केवल और केवल कृष्ण से ही प्रेम करना चाहिए कृष्ण के लिए ही हमें भजना करनी चाहिए कृष्ण का ही नाम हमें जपना चाहिए जो हमें आज से साढ़े पाँच सौ वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु देकर गए हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे इसी महामंत्र का जप करके निश्चित तौर पे वही सर्व कारण कारण अनादिरादि गोविंद वो सच्चिदानंद विग्रह जो परम कृष्ण ईश्वर हैं वो हमको प्राप्त हो जाएंगे निश्चित ही वे ही सबके कारण हैं। तो श्लोक संख्या जो है यहां पर उनतीस से लेकर छप्पन तक विशेष रूप से इन्हीं अट्ठाईस श्लोकों पर हमारे गौड़ीय संप्रदाय में या इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में इन अट्ठाईस श्लोकों पर विशेष रूप से जो है आलोचना चर्चा की जाती है ये प्रासंगिक है ये अट्ठाईस श्लोक और बहुत ही अद्भुत स्तुति के माध्यम से ब्रह्मा जी भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का ऐश्वर्य क्या है कैसा उनका दिव्य धाम है और उस दिव्य धाम में भगवान किस प्रकार रहते हैं कैसा उनके आसपास का वातावरण है कौन कौन उनकी सेवा में वहां रथ है वो सब ब्रह्मा जी इन 28 श्लोकों के माध्यम से समझा रहे हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि का जो उत्पत्ति है उसके विषय में भी यहां बताया गया है कि सबसे पहले होते हैं कारणारणवशाई विष्णु यानी कि कारणो दक्षाई विष्णु जो कि कारण समुद्र में निवास करते हैं कारण समुद्र में जब कारण समुद्र में वे लेटे हुए थे विश्राम अवस्था में तो जो वो श्वास निश्वास उनका निकल रहा था मतलब इनहेल एक्सहेल जब वो कर रहे थे तो एक एक बबूला निकल रहा था बुदबुदा निकल रहा था एक एक बबल निकल रहा था और वो बबल ब्रह्मांड में परिवर्तित होता जा रहा था वो एक एक बुलबुला एक एक बबल ब्रह्मांड में कन्वर्ट हो गया तब्दील हो गया परिवर्तित हो गया और योग निद्रा में लेटे हुए कारणारण शाय विष्णु यानी कि कारणों दक्षाय विष्णु क्या कर रहे थे श्वास ले रहे थे और श्वास छोड़ रहे थे ले रहे थे इस प्रकार से चल रहा था तो अनेकों ब्रह्मांड का निर्माण हो गया तो यहाँ मुझे स्मरण आ रहा है कि जब भगवान ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवतम में आदेश देते हैं कि मेरे आदेश से अब आप सृष्टि का सृजन कीजिए लेकिन वहां पर ब्रह्मा जी एक बात कहे कि आपने मुझे कहा कि मैं सृष्टि का सृजन करूं लेकिन इतना बड़ा कार्य आपने मुझे सौंप दिया विधाता की गद्दी आपने मुझे दे दी अब मुझे अहंकार हो गया तो तो भगवान ने कहा कि जिसको मेरे ऐश्वर्य का ज्ञान होता है उसको अभिमान आ ही नहीं सकता क्योंकि वो तो जानता है कि मैं कुछ हूं ही नहीं भगवान जो सर्व कारण है वो है सबके पीछे मुझे तो केवल निमित्त बनाया है तो ब्रह्मा जी को वहां पर भगवान ने जो दिव्य ज्ञान दिया है श्रीमद भागवतम का तो ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने ऐश्वर्य का ज्ञान करवाया है जिससे ब्रह्मा जी को अहंकार हुआ ही नहीं लेकिन हम साधारण मानव समाज में देखते हैं इतना अहंकार लोगों में हो जाता है पता नहीं कैसे किंतु अगर उनको ये ज्ञात हो जाए कि हमारी स्थिति तो कुछ है ही नहीं तब शायद उनका अहंकार खत्म हो लेकिन फिर भी इस नष्ट प्राय शरीर के शरीर के कारण शरीर के बावजूद भी इतना अहंकार अहंकार तब ना हो जब इंसान ये जान ले कि जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं वो भगवान के जो श्वास प्रश्वास होता है उसमें से निकला हुआ केवल एक बबूला है एक बुदबुदा है और जो बबूला होता है जो बुदबुदा होता है वो कितने समय तक रहता है क्षण भंगुर तो इस प्रकार से जो है भगवान कारण दक्षाए विष्णु के मुख से श्वास प्रश्वास के समय एक एक बबल उत्पन्न हो रहा है जो ब्रह्मांड बनता जा रहा है तो वो जो ब्रह्मांड बन रहे हैं उस ब्रह्मांड में महाविष्णु का अंश जो कि है गर्भोदक्षाय विष्णु वो प्रवेश कर रहे हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मांड में तो जो हमारे ब्रह्मांड के अधिपति हैं हमारे ब्रह्मांड के जो विष्णु हैं वो सबके ही गर्भोधकशाही विष्णु हैं। मतलब ये त्रिदेव हर एक ब्रह्मांड में होते हैं हर एक ब्रह्मांड का अपना एक त्रिदेव होते हैं विष्णु ब्रह्मा महेश तीनों ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं विष्णु पालन करते हैं शिव विनाश करते हैं तो इस प्रकार से गर्भोधकशाही विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तब गर्भोधक विष्णु के शरीर से पानी निकलता है बहुत सारा तो वो जो आधा ब्रह्मांड रहता है वो पानी से ही भर जाता है और उसके पश्चात उन्होंने अनंत शेष के वो क्या करते हैं अनंत शेष के आसन पर लेट जाते हैं लेटते हैं और गर्भोधक विष्णु तो उनके साथ में होती है उनकी भार्या लक्ष्मी देवी जो उनकी चरण सेवा करती है पाद सेवा करती है हम सभी जानते हैं पाद सेवन की जो आचार्य है माता लक्ष्मी है और वही गर्भोदक्ष विष्णु की नाभी से एक कमल उत्पन्न होता है और उस कमल पे होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा हम्म और उस कमल पर उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मा तब ब्रह्मा को क्या कहते हैं अज भी कहते हैं क्योंकि उनका जन्म माता पिता के संयोग से नहीं हुआ है वो तो सीधा भगवान की नाभि से उत्पन्न हो गए उस कमल के ऊपर उत्पन्न हो गए इसीलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है स्वयं भू स्वयं प्रकट हो जाते हैं कमल के ऊपर क्योंकि भगवान की इच्छा है हम्म सीधा भगवान की नाभि से उत्पन्न कमल से वो उत्पन्न हो जाते हैं तो जब ब्रह्मा जी की प्रथम बार आंख खुली तब उन्होंने क्या देखा कि वे एक कमल पर बैठे हुए हैं एक बहुत बड़ा विशाल कमल है बहुत सुंदर और फिर उनके मन में जिज्ञासा होने लगी कि मैं कहां से आया हूं मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है ये तीन प्रश्न ब्रह्मा जी के मन में उठे मैं कौन हूं कहाँ से आया हूं और मुझे क्या करना है इसी को कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जो ब्रह्मा जी के अंदर वो जिज्ञासा उठी वो हम सबके अंदर उठनी चाहिए ब्रह्मा जी के माध्यम से हमको यहां शिक्षा लेनी है कि मैं कौन हूं कहां से आया हूं और मुझे करना क्या है और इसका उत्तर है मैं आत्मा हूं मैं गोलोक वृंदावन से आया हूं और मुझे वापस अपने ईश्वर अपने स्वामी कृष्ण का भजन करके पुनः वहां लौटना है ये मुझे करना है तो जो ब्रह्मा जी के अंदर जिज्ञासा उठी तो हम सबके अंदर भी ये जिज्ञासा उठनी चाहिए कभी एकांत में बैठ करके हमें इस पर चिंतन करना चाहिए बिल्कुल एकांत में शांत होकर बैठ जाओ और अपने आप से ये प्रश्न हमको करना चाहिए कि आखिर मैं हूं कौन मेरा किस कारण से यहाँ जन्म हुआ है मुझे करना क्या है मेरा लक्ष्य क्या है और मुझे कहाँ वापस जाना है यहाँ से मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है इस प्रकार के प्रश्न और जब तक हम इन प्रश्नों को अपने जीवन में नहीं उतारते तब तक मनुष्य जीवन की साफल्यता प्राप्त नहीं हो सकती हम मनुष्य जीवन का उद्देश्य जान ही नहीं पाएंगे जैसे कि कल टॉक शो में एक प्रश्न आया था कि भगवान को प्रेम कैसे करे मन नहीं लगता तो बहुत सुंदर वहां प्रभु जी ने उत्तर दिया था कि जब तक संबंध का ज्ञान नहीं होगा तो प्रेम उत्पन्न कैसे होगा अपने घर के रिश्तेदारों के प्रति हमको पता होता है ये मेरे पिता हैं ये मेरी माता हैं तो संबंध का ज्ञान होता है इसीलिए सहज ही प्रेम उत्पन्न होता है माता पिता के प्रति सम्मान बहनों के प्रति प्रेम पता होता है बहन है इसलिए सहज ही तो ये वाला संबंध जो हम भूल गए हैं इसको भी याद करना है फिर से तो जब तक संबंध पता नहीं होगा तो संबंध से जुड़ा हुआ जो प्रेम है वो तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता वो तो प्रकट हो ही नहीं सकता तो इसी लिए यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जब तक हम जीवन का उद्देश्य नहीं जानेंगे सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ मनुष्य को ही यह सुअवसर प्राप्त है कि इन प्रश्नों के उत्तर खोजकर वह अपने परम गंतव्य को प्राप्त करें जो मनुष्य जीवन का ध्येय है जो असल उद्देश्य है उसकी खोज में लगे और जब वो प्राप्त हो जाए कि मैं आत्मा हूं गोलोक से आया हूं मुझे वापस वहीं जाना है और वहां जाने का रास्ता है हरिनाम और सत्संग ये सबसे मूल दो चीजें हैं सबसे अहम सबसे महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण कि जितना ज्यादा हो सके नामजप और जितना ज्यादा हो सके सत्संग शुद्ध भक्तों का संग कल भी प्रभु जी कृष्णानंद प्रभु बहुत सुंदर बोल रहे थे कि जितना ज्यादा हो सके अपने से ऊंचे लेवल के भक्तों का संग करें जो भक्ति में दृढ़ संकल्प है जो स्थिर है भक्ति में जो डेविएट नहीं होते हैं और जो स्थित प्रज्ञ हैं ऐसे दृढ़ संकल्पी भक्तों का संग करें यथा यथासम्भव तो मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना है तो जब ब्रह्मा जी के मन में ये सारे प्रश्न आए तो वे भी इनका उत्तर ढूंढने में लगी सभी लगते हैं अब वो तो हम कभी अपने से ये प्रश्न पूछते नहीं है तो इनका उत्तर जानने की कोशिश नहीं कर सकते बस दौड़ धूप मची हुई है सुबह उठ रहे हैं नहा रहे हैं फिर खा के काम पे जा रहे हैं फिर काम से आके फिर खा के सो जा रहे हैं किस दौड़ में दुनिया लगी हुई है समझ में नहीं आ रहा है सुबह से गाड़ियाँ ले लेकर निकल पड़ रहे हैं जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं है इतना पता नहीं है कि आखिर क्यों हमको मानव जीवन मिला है उद्देश्य से विहीन जीवन जिए जा रहे हैं बस भेड़ चाल चले जा रहे हैं उत्तर ढूंढने में जब ब्रह्मा जी लगे तो आ, उनके मन में जो आया कि मैं इस कमल से उत्पन्न हुआ हूँ तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है इस कमल के नीचे मेरा मूल हो इस कमल के नीचे वो स्थान हो जहाँ से मैं आया हूँ मुझे शायद वो स्थान मिल जाए तो उन्होंने क्या किया कमल की नाल के अंदर प्रविष्ट हो गए और कई कई हजार वर्षों तक उस कमल नाल का अंत नहीं खोज पाए ब्रह्मा जी इतनी विशाल वो कमल नाल तो हजारों वर्ष तक खोजते रहे खोजते रहे और उसका अंत नहीं पाए फिर ब्रह्मा जी वापस फाइनली अंततः ऊपर आकर बैठ गए और अब सोचने लगे कि अब क्या करूं तो फिर जो है उनको वर्णमाला जो है आ, आ, इ, इ से लेकर अ से क्षत्र तो जो वर्णमाला का सोलहवा अक्षर है सोलवा और इक्कीसवा वर्ण उनको सुनाई दिया वर्णमाला के तो ब्रह्मा जी ने उन दोनों शब्दों को जोड़ दिया जैसे पानी की बूंद गिरती आवाज आती है तब तो उनको वैसे ही आवाज सुनाई दी तब वो तप करने बैठ गए ब्रह्मा जी तपस्या करने बैठ गए समाधिस्थ हो गए एकदम और समाधिस्थ होकर के इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी हो गए अपने अंदर की ओर जाने लगे तो उस समय ब्रह्मा जी ने क्या सुना एक अद्भुत वेणुनाद सुना बहुत सुंदर मुरली का नाद सुना ब्रह्मा जी ने और उस बांसुरी की आवाज के स्वर को सुनकर के ब्रह्मा जी को जो है गायत्री मंत्र क्या, उसके माध्यम से सुनाई पड़ा वो जो वेणुनाद हो रहा है वो वेणुनाद में उनको गायत्री मंत्र सुनाई पड़ रहा था ब्रह्मा जी को तो उस गायत्री मंत्र का जप करने से ब्रह्मा जी को जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित जिस प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित हुआ गायत्री मंत्र के जाप से और भगवान को वे देख पाए क्योंकि उनके अंदर दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो गया और श्रीमद् भागवतम में भी दूसरे श्लोक में है कि सद्यो हृदय व्य प्रकृति भी शुश्रू सुना जब ज्ञान प्रकट हो जाता है कि हम कौन हैं और हमें भागवतम सुनना है जब भगवान के लिए भगवान से जुड़ा ज्ञान हमारे अंदर प्रकाशित होता है तो भगवान अंदर आकर के अवृद्ध हो जाते हैं भगवान का दर्शन हमको प्राप्त होता है और वही ब्रह्मा जी के साथ हुआ जब उनको वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ तो गोविंद की संतुष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने जो श्वेत द्वीपाधिपति हैं श्वेत दीप के जो अधिपति हैं, ऐसे गोलोकस्थ भगवान के लिए तपस्या करना शुरू किया ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे समाधिस्थ हो गए। तो गोलोक की चिन्मय भूमि में रहने वाले जो हैं कृष्ण गोलोक की चिन्मय भूमि के जो स्वामी हैं और सर्व कारण कारणम कृष्ण जो हैं, उनके लिए ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे तो एक कमल है जिसके बीच एक विशाल दिव्य आसन है जिस पर नित्य चिदानंदमय कृष्ण ज्योतिर्मय स्वरूप में विद्यमान होकर अपने मुख कमल से शब्द ब्रह्ममय वंशी बजा रहे हैं तो ये सब ब्रह्मा जी को दर्शन हो रहा है दृष्टि में उनकी इस सभी दृश्य उपस्थित हो रहे हैं क्या देखा उन्होंने कि एक कमल है उस कमल में एक विशाल दिव्य आसन है बहुत बड़ा कमल है और उसमें एक दिव्य आसन है तो जिस पर नित्य चिदानंदमय कृष्ण ज्योतिर्मय स्वरूप में विद्यमान होकर अपने मुख कमल से शब्दमय ब्रह्ममय वंशी बजा रहे हैं कृष्ण बंसी बजा रहे हैं अपनी प्रेयसी गोपियां जो हैं, भगवान की प्रेयसी गोपियां जो हैं उनके अपने अपने विस्तारों तथा बहिरंगा शक्तियों द्वारा पूजित हैं। गोलोक में भगवान की जो आराधना करती हैं वो गोपियां करती हैं निरंतर गोपियां भगवान की सेवा चाकरी में लगी रहती हैं। तो तदनंतर कृष्ण की दिव्य वेणु ध्वनि से प्रकट वेदों की माता गायत्री ब्रह्मा के आठों कानों से स्वजनित ब्रह्मा के मुख कमल में प्रविष्ट हो गई ब्रह्मा जी के आठ मुख यहाँ पे आठ कान बता रहे हैं क्योंकि उनके चार मुख हैं चतुर्मुख हैं ब्रह्मा जी के जो हमारे इस ब्रह्मांड के स्वामी जो अधिपति हैं उन ब्रह्मा जी के चार मुख हैं अन्य कई कई ब्रह्मांड किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा का मुख दस होगा इस प्रकार से तो आठ कान हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी के क्योंकि चार मुख हैं इसलिए आठ कान हो जा रहे हैं तो उन आठ कानों से स्वजनित ब्रह्मा क्योंकि ब्रह्मा स्वजनित है उस कमल के ऊपर उत्पन्न हो गए अपने आप ही तो ब्रह्मा के मुख कमल से मुख कमल में प्रविष्ट हो गई कौन वेदों की माता गायत्री तो श्री कृष्ण के वेणु गीत से उत्पन्न गायत्री को प्राप्त करने पर पद्मजोनी ब्रह्मा जी का एक नाम है पद्मजोनी क्योंकि वो पद्मज है गोपी गीत के एक श्लोक में भी गोपियां कह रही हैं पद्मजार्चितम धरणी मंडनम घेयमापदी पद्मजार्चितम पद्मज यानी कि ब्रह्मा जी के द्वारा आपके चरणों की अर्चना की जाती है पद्मजार्चितम तो इसीलिए ब्रह्मा जी को पद्मज कहा गया है ब्रह्मा जी ने क्या किया आदि गुरु भगवान द्वारा दीक्षित होकर द्विजत्व को प्राप्त कर लिया द्विज हो गए वे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी को द्विजत्व प्राप्त हुआ और भगवान ने दिव्य वेणु ध्वनि से वेदमाता गायत्री ब्रह्मा के मुख में प्रकट हुई और दिव्य ज्ञान को ब्रह्माजी प्राप्त किए क्योंकि ब्रह्मा जी को वो वेणु का स्वर सुनाई दिया था ठीक है और हम सभी जानते हैं जो ब्रह्मा है उनकी आयु बहुत है बहुत ही ज्यादा हम अनुमान लगा ही नहीं सकते केवल उनके दिन का अनुमान लगा पाना थोड़ा बहुत मुश्किल है तो कि पूरी सौ वर्ष की आयु का तो हम अनुमान लगा ही नहीं सकते क्योंकि हम सभी जानते हैं जो ये चतुर्युगी है ये चतुर्युगी की पूरी आयु है तिरयालीस लाख हजार वर्ष और जब ऐसी चतुर्युगी इकहत्तर बार निकलती है तो वो जो समय होता है वो जो ड्यूरेशन होती है वो होती है तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार रुपए बीस हजार वर्ष यह है एक मनवंतर एक मनु का राज्य इतने समय का होता है तीस करोड़ सम... वर्ष तीस करोड़ वर्ष एक मनु का राज्य होता है सोचिए आप मनु की आयु कितनी ज्यादा होती होगी तीस करोड़ वर्ष एक मनु का राज्य होता है एक मनवंतर चलता है और ऐसे चौदह मनवंतर जब निकलते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन या एक रात होती है यानी कि बारह घंटे दिन के या बारह घंटे रात के होते हैं तो वो हो जाते हैं कितने लगभग चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष तो ये है ब्रह्मा जी का बारह घंटे का एक दिन या तो एक रात और ब्रह्मा जी का जो पूरा चौबीस घंटा होता है पूरा एक दिन वो होता है आठ अरब से कहीं ऊपर साढ़े आठ अरब वर्ष वो होता है ब्रह्मा जी का केवल एक दिन चौबीस घंटा हम्म तो ब्रह्मा जी की आयु का अनुमान हम नहीं लगा सकते सोचे हमारी स्थिति क्या है हम क्यों फूले फिरते हैं इतना क्यों हमें इतना अभिमान होता है भगवान की हम ये माने कि हमारे शरीर में साढ़े तीन करोड़ छिद्र हैं तो भगवान के भी उतने तो होंगे ही और प्रत्येक छिद्र से एक, -एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तो उतने ब्रह्मांड तो होंगे ही और उतने ब्रह्मांडों में से भी हमारा ब्रह्मांड कौन सा है हमको कौन कैसे पता चलेगा और ब्रह्मांड में भी हमारा लोक कौन सा है कैसे जानेंगे बहुत सारे लोग हैं और हमारा जो लोक है वो मिल भी जाए तो उस इतनी बड़ी पृथ्वी पे हमारी स्थिति क्या है हम सोचे जरा एक चीटी से भी हमारी स्थिति बहुत नीचे है फिर भी इतना अहंकार हमारे अंदर होता है हम ब्रह्मा जी की आयु की कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी आयु है ब्रह्मा जी की हमारी स्थिति कुछ भी नहीं है इस मानव जीवन का एकमात्र अगर कुछ महत्व है कुछ मूल्य है कुछ फायदा है कुछ एडवांटेज है कुछ लाभ है तो वो एकमात्र ये है कि इस मानव शरीर में रह करके हम हरि भजन कर सकते हैं बस जिसके लिए देवता भी तरसते हैं कल कृष्णानंद प्रभु कितना अच्छा कह रहे थे देवता भी कहते हैं कलयुग की जय कलयुग की जय क्योंकि बहुत सरल है सुलभ है बहुत सुगम है इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति कितने कितने भक्तों के उदाहरण हैं। हम तो भक्तमाल अगर आप कभी नहीं पढ़े तो भक्तमाल का अध्ययन कीजिए इतने इतने भक्तों का उसमें उदाहरण है हम्म तो ये होता है ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन तो ये है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण हम समझ गए कि सबसे पहले कारणो दक्षाय विष्णु कारणारणवशाय विष्णु जो कि कारण समुद्र में लेटे हुए हैं उनके श्वास प्रश्वास से ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं तत्पश्चात तो प्रत्येक गर्भोदक्षय विष्णु की नाभि से निकलता है कमल कमल से होते हैं ब्रह्मा ब्रह्मा जी से आते हैं रुद्र यानी कि शिव और फिर प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ करते हैं उसमें समय में अंतर हो सकता है हो सकता है इस समय हमारे ब्रह्मांड में अभी अट्ठाईसवा ना। कलयुग है हो सकता है किसी ब्रह्मांड में प्रलय होने वाला हो या किसी ब्रह्मांड में प्रलय हो चुका हो अभी प्रलय में पूरा ब्रह्मांड हो सकता है किसी और ब्रह्मांड में अभी कृष्ण लीला चल रही होगी हो सकता है किसी ब्रह्मांड में अभी चैतन्य महाप्रभु आए होंगे हो सकता है किसी ब्रह्मांड में नृसिम देव या वामन देव या, वराह या परशुराम या श्री राम हाँ तो हमारी स्थिति बहुत तुच्छ है इसलिए हमें अपने आप को जितना हो सके तुच्छ मानकर ही चलना चाहिए हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम ब्रह्मा जी की पूरी एक सौ वर्ष की आयु का गण अनुमान लगा सके अनुमान भी नहीं लगा सकते हमारी उतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने कहा है त्रिनाज त्रिनाद पी सुनीचे न तरोरी वह नाम अमानी न ना मान देना कीर्तनी या तो हम समझ गए कारण कारणों दक्षाए विष्णु के श्वास प्रश्वास से एक एक अनेकों अनेक अनेक ब्रह्मांड प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु उसके अधिपति और प्रत्येक गर्भोदक विष्णु की नाभि से कमल कमल पे ब्रह्मा ब्रह्मा से रुद्र सृष्टि उनका ब्रह्मांड का विध्वंस करने के लिए त्रिदेव हो गए और फिर प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी जब सृष्टि शुरू करते हैं तो सृष्टि जब वो जीव मतलब शुरू होती है वहां पे सृष्टि तो प्रत्येक शरीरधारी के अंदर उस जीवात्मा के सहित परमात्मा भी प्रवेश करते हैं तो वो जो परमात्मा रूप प्रत्येक जीवात्मा के अंदर निवास कर रहा है वो है क्षीरो विष्णु हाँ क्षीरारणव विष्णु क्षीर सागर में जो निवास करते हैं वो विष्णु हम सबके अंदर परमात्मा रूप में सुपर सोल के रूप में उपस्थित है इसीलिए तो कबीरदास जी कहे है ना कि मोको कहाँ रे बंदे मैं तो तेरे पास में अंदर ही बैठा हुआ है फिर भी बाहर ढिंडोरा पीट रहे हैं कि कहा है भगवान कहां है भगवान इस प्रकार से तो हम समझ गए कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई जैसे कि हम शुरुआत में विवेचना किए थे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी का आविर्भाव कैसे हुआ ब्रह्मा जी क्यों भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और भगवान के ऐश्वर्य से अभिभूत हो गए हैं क्योंकि भगवान ने उनको अपना दर्शन दिया है तो अब ब्रह्मा जी भगवान के धाम उनके रूप उनकी लीला सब का गुणानुवाद इन 28 श्लोकों में करेंगे तो हम शुरू करते हैं पहला श्लोक है ब्रह्म संहिता का जो पांचवा अध्याय है हमें हम सबको वही प्राप्त है महाप्रभु की कृपा से तो इसका उन्तीसवा श्लोक सबसे पहला श्लोक हम देखें चिंता मणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष लक्षा वृतेशु लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामी बहुत ही अद्भुत भगवान का वो दिव्य धाम है इस श्लोक के माध्यम से ब्रह्मा जी भगवान के दिव्य धाम का जो है गुणानुवाद कर रहे हैं कैसा है भगवान का धाम तो कह रहे हैं कि चिंतामणि प्रकर प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष चिंतामणि जिसको कहते हैं वो एक मणि होती है हम सभी जानते हैं उसका जो जो भगवान के धाम में है वो होती है चिंतामणि अगर वो आपके पास हो तो जो भी आपके मन में उठ रही है इच्छा जो भी चिंता आपके अंदर चल रही है जो भी भाव आपके अंदर चल रहा है वो उसको सत्य कर देती है उसको कहते हैं चिंतामणि आपकी सारी चिंताओं को नष्ट करने वाली ऐसी होती है चिंतामणि उसी का जो भौतिक रूप है हम सब जानते हैं सृष्टि में पारस पत्थर नाम से लोग कहते हैं उसको कि लोहे को भी पारस पत्थर स्पर्श करा दो तो वो लोहा भी स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है स्वर्ण बन जाता है तो ये जो पारस पत्थर हमारे इस पृथ्वी लोक में है ये उस चिंतामणि जो है भगवान के दिव्य धाम में जो चिंतामणि है उसका एक रिफ्लेक्शन मात्र है उसकी किरणों का एक परावर्तन है बस और कुछ नहीं है तो आगे कह रहे हैं चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष जो भगवान का दिव्य धाम है वो चिंतामणि से बना है पूरा हाँ। हमारे को यहां पर पृथ्वीलोक में एक पारस पत्थर देखना दुर्लभ है आपने मैंने कभी कहीं नहीं देखा है उसको लेकिन भगवान का तो ऐसा दिव्य धाम है कि पूरा धाम ही चिंतामणि से बना हुआ है वहां ये मार्बल मोजैक टाइल वगैरह ये नहीं लगा होता है हम्म चिंतामणि से बना है पूरा धाम पूरा भगवान का गोलोक वृंदावन चिंतामणि से बना है चिंतामणि जड़ी हुई है वहां के एक एक, एक, एक स्थान पर तब आगे कह रहे हैं सद्म सुकल्प वृक्ष वहां कल्प वृक्ष है और एक नहीं अनेकानेक कल्प वृक्ष अनगिनत कल्प वृक्ष स्वर्ग में तो एक पारिजात वृक्ष था उसके लिए भी बहुत जो है संघर्ष करना पड़ा भगवान को वो लाने के लिए भी क्योंकि एक ही कल वो पारिजात का वृक्ष था लेकिन भगवान का दिव्य धाम तो ऐसा है कि वहां पे अनंत कोटि कल्प वृक्ष है डिजायर ट्री जिसको कहते हैं तो एक दिन मैं श्रीमद भक्तिचारु स्वामी गुरु महाराज का ब्रह्म संहिता का लेक्चर सुन रही थी तो उसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई कि एक आदमी एक बार जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो वो सोच रहा था कि काश मुझे कुल्हाड़ी नहीं चलाना पड़ता काश लकड़ी अपने आप कट जाता कितना अच्छा होता तो लकड़ी अपने आप कटने लगी उसको कुल्हाड़ी नहीं चलाना पड़ रहा है वो देख रहा है ये क्या हो रहा है वो कल्प वृक्ष था असल में उदाहरण के तौर पर यहाँ गुरु महाराज समझा रहे थे इस प्रकार से कि वो सोच रहा है ऐसा काश मुझे लकड़ी काटना नहीं पड़ता काश कुल्हाड़ी अपने आप चलने लगती और लकड़ी काट के ढेर लगा देता वैसा ही होने लगा तो बड़ा प्रसन्न बड़ा हर्षित अरे वाह, जैसा सोचा था वैसा हो रहा है तब आगे उसने सोचा कि अब तो बहुत परिश्रम हो गया इतना लकड़ी बहुत अच्छे से एकत्रित हो गया काश ये लकड़ी बंध भी जाता ऐसे अच्छे से रस्सी से पूरा बंध जाता एक मूला बन जाता पूरा लकड़ी का तो लकड़ी बंध भी गई बहुत अच्छे से उसका गट्ठर बन गया पूरा बड़ा प्रसन्न है अच्छी बात है ये लकड़ी घर तक पहुंच भी जाती तो कितना अच्छा होता वो लकड़ी पहुंच भी गई घर तक उसको परिश्रम नहीं करना पड़ा तब तो आगे सोचता है ये सब काम तो हो गया आप कितना अच्छा होता अगर मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल जाता यहाँ पर तो मैं भर पेट अच्छे से स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठा पाता लो साहब वहां तो एकदम चांदी की थाली सजी हुई बड़ा सुंदर पकवान मिष्ठान सब पूरा छप्पन कोटि उसमें छप्पन प्रकार के उसमें सारे पकवान सजा रखे और बड़ा प्रसन्न लोजी साहब भोजन भी मिल गया भोजन करता जा रहा है अभी आधा ही खा पाया था इतने में मन में सोचा कि मैं इतनी देर से इस जंगल में हूं ऐसा ना हो कि कहीं कोई शेर आ जाए और मुझे खा जाए वो भूल गया कि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था और सच में एक शेर आया और उसको खा गया तो भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज यहां पे समझाना चाह रहे हैं कि एक कल्प वृक्ष अगर यहां हो पृथ्वी लोक में तो लोग तो बिल्कुल आलसी हो जाएंगे कार्य करना बंद कर देंगे लेकिन भगवान के दिव्य धाम में अनंत कोटि कल्प वृक्ष हैं अनंत कोटि अनगिनत लक्षावृत सुरपालय क्या कह रहे हैं लक्षावृतेशु लाखों गायों से और गाय भी साधारण विदेशी नस्ल की गाय नहीं शुद्ध देसी नस्ल की सुरभि गाय जो सुरभि गाय जो ऐसी गैया है जिसके सामने खड़े होकर कुछ भी मांगो वो सब दे देती है प्रत्येक चीज वहां पर वैसी ही, आप समझ रहे हैं ना दिव्य धाम में सब कुछ वैसा है चिंतामणि चिंतामणि को हाथ में लेकर जो भी चिंता करेंगे वो प्राप्त तो हो जाएगा दुखों को दूर कर देगी ऐसी चिंतामणि कल्प वृक्ष कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी इच्छा करेंगे वो कल्प वृक्ष पूरा करेगा सुरभि गैया सुरभि गैया के सामने खड़े होकर जो भी मांगो वो सब देती है और उसी सुरभि कि पुत्री जो है नंदिनी वो ऋषि वशिष्ठ के पास थी ऋषि वशिष्ठ के पास जब नंदिनी गैया थी तो एक बार विश्वामित्र युद्ध क्योंकि वो तो राजर्षि राज राजा थे विश्वामित्र तो विश्वामित्र युद्ध से लौट रहे थे बड़ी सेना उनके साथ में थी तो उन्होंने सोचा चलो यहाँ पर वन में ऋषि वशिष्ठ का आश्रम है क्यों ना इनके पास जाकर के थोड़ा जलपान किया जाए इत्यादि तो गए हैं विश्वामित्र विश्वामित्र ने कहा कि हे ऋषि वशिष्ठ कृपा करके कुछ जलपान दीजिए बहुत थक गया हूं तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि आइए ना आप क्या आपकी पूरी सेना के लिए जलपान की व्यवस्था अभी कर देता है अभी कर देते हैं कोई देर नहीं लगेगी तो ठीक है विश्वामित्र ने कहा मेरे साथ साथ पूरी सेना के लिए क्या ठीक तो है ना आप बोले हाँ हाँ बिल्कुल आप आइए सबके लिए व्यवस्था होगी और बिल्कुल जल्दी होगी तो इस प्रकार से विश्वामित्र बोले ठीक है आते हैं तो आए हैं और विश्वामित्र जो है देख रहे हैं कि सारे लोगों के लिए एकदम सुंदर जलपान की नाश्ता की व्यवस्था गई बहुत सुंदर तो विश्वामित्र को जब पता चला है कि जो गैया है नंदिनी सुरभि की पुत्री नंदिनी सुरभि जो गैया है वो स्वर्ग में भी है क्योंकि जब इंद्र आए थे ब्रजवासियों पर जब कोप किए उसके बाद जब ग्लानी और प्रायश्चित हुआ इंद्र को तो भगवान से क्षमा याचना करने के लिए अपने साथ में सुरभि और एरावत दोनों को लेकर आए थे और वही सुरभि गाय भगवान को गोविंद नाम दी थी वहां पर कि मैं आज प्रसन्न होकर के आपको गोविंद नाम देती हूं क्योंकि आप को प्रेम करने वाले गौं का पालन करने वाले गौों का संवर्धन करने वाले आप गोविंद हैं तो ऐसी वो सुरभि की पुत्री है नंदिनी तो विश्वामित्र को जब पता चला कि ऐसी गाय है तो वो वशिष्ठ ऋषि से अड़ गए बोले कि आप ये गैया हमको दो क्योंकि राजा होने के नाते इसकी आवश्यकता ज़्यादा हमको है ये गाय आपके पास नहीं होना चाहिए हमारे पास होना चाहिए तो फिर उसके बाद बहुत जो है बल का प्रयास बल का प्रयोग करके जो है सुरभि को ले जाया गया वगैरह तो वहाँ वशिष्ठ वशिष्ठ ऋषि ने बोल दिया था क्योंकि वो तो अपनी तरफ से कुछ नहीं किए ठीक है ले जा रहे हैं तो ले जा रहे हैं लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हे मैया अब आप अपनी रक्षा खुद ही करो मेरा सामर्थ्य नहीं है तो फिर नंदिनी के अंदर से सेना प्रकट हुई है और सबको जो है परास्त कर दिया है तो सोचिए जिस सुरभि की पुत्री नंदिनी में इतना सामर्थ्य है वो माँ सुरभि कैसी होगी और ऐसी एक सुरभि नहीं है भगवान के उस दिव्य गोलोक वृंदावन में उस दिव्य धाम में वहां एक दो भी नहीं है वहां सुरभी सुर लाखों से घिरे हुए आवृतेशु लाखों सुरभियों से घिरे हुए भगवान उनका पालन करते हैं लाखों सुरभि कैयाओं का भगवान पालन करते हैं तो आगे कह रहे हैं लक्ष्मी सहस्र शत सब संभ्रम से व्यमान हम सभी जानते हैं ये जो हम जिस ब्रह्मांड में हैं और जितने भी सारे ब्रह्मांड हैं तो हर ब्रह्मांड के एक एक विष्णु है गर्भोदक्षाई और प्रत्येक गर्भोदक्षाई विष्णु की अपने साथ उनके साथ उनकी भार्या है जो उनके चरण सेवा करती है लक्ष्मी देवी तो प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक्षाय विष्णु वहां उनकी भार्या लक्ष्मी होती है लेकिन भगवान के दिव्य कृष्ण के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम कई सौ हजार पहले बोल रहे हैं सहस्र शत मतलब अनगिनत हम नहीं उसकी गणना कर सकते कई कई लक्ष्मिया सेवा दे रही है वहां पर गोलोक वृंदावन में और संभ्रम प्रगाढ़ बहुत वो चाहती है हमको कोई ना कोई सेवा मिले भगवान के उस दिव्य धाम में इस प्रकार उनके अंदर जो है सेवा भाव है बहुत आदर के सहित बहुत स्नेह के सहित वो सेवा करना चाह रही है और उस लक्ष्मी के पीछे सारा संसार पागल हुआ जा रहा है वो लक्ष्मी भगवान के उस दिव्य धाम में सेवा प्राप्त करने के लिए सब समय जो है तत्पर रहती हैं। हम उसके पीछे भागते रहते हैं उस लक्ष्मी के पीछे किंतु तो अगर हम लक्ष्मी जिसके पीछे भाग रही है उसके पीछे भागेंगे तो तो हमको लक्ष्मी की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाएगी हमको उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा तो बहुत ही अद्भुत श्लोक है एक ही श्लोक पर आज मेरे ख्याल से हो पाएगी चर्चा क्योंकि थोड़ा हमने ब्रह्मा जी के उत्पत्ति के विषय में भी चर्चा की किस प्रकार ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तो लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामी उन्हीं गोविंद आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूं तमहम भजामी आदि पुरुष कह रहे हैं जिनका ना तो ऊपर कोई है जिनके ऊपर जिनके बराबर कोई नहीं है ऐसे आदि पुरुष जो पता नहीं कब से हैं कोई नहीं जानता है उनका आदि क्या है उनका अंत क्या है मध्य आदि से परे ऐसे उन गोविंद की मैं भजना करता हूं ऐसे गोविंद को तम अहम भजामी हम प्रणाम करते हैं तम अहम भजामी उनको मैं प्रणाम करता हूँ ब्रह्मा जी इस श्लोक के माध्यम से भगवान के दिव्य धाम का ऐश्वर्य बता रहे हैं। क्या, क्या हमने सुना सबसे पहले उनके धाम में चिंतामणि है पूरा धाम चिंतामणि से जड़ा हुआ है चिंतामणि से ही बना है पूरा धाम चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष चिंतामणि तत्पश्चात लक्षावृतेश सुरभि रभीपाल यंत सुरभि गैया है लक्ष्मी है ये सब ऐश्वर्य का प्रकाश कर रहे हैं भगवान के कि भगवान का ऐश्वर्य अपार है जो मांगो देने वाली चिंतामणि जो मांगो देने वाला कल्प वृक्ष जो मांगो देने वाली सुरभिगैया साक्षात ऐश्वर्य धन की देवी लक्ष्मी एक नहीं सहस्र शत अनगिनत लक्ष्मिया वहां सेवा दे रही है भगवान के धाम में तो ब्रह्मा जी उन्हीं आदि पुरुष गोविंद को उनकी भजना कर रहे हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं तो आज एक ही श्लोक पर हम चर्चा करेंगे और कल से बाकी के जो सत्ताईस श्लोक हैं क्योंकि अट्ठाईस श्लोक जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं तो इन अट्ठाईस में से आज हम एक ही श्लोक पर चर्चा कर पाए आने वाले तीन दिनों में हम इन 27 श्लोकों पर चर्चा करेंगे प्रयास करेंगे कि भगवान के विषय में हम कृष्ण के विषय में आपको ज्यादा से ज्यादा बता सकें क्योंकि कृष्ण को जानना इतना आसान नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है देखा जाए तो क्योंकि ये जो शिल प्रभुपाद के ग्रंथ हैं ये अंधकार में सिर्फ रोशनी के किरण नहीं है पूरा का पूरा चमकता हुआ सूर्य है बहुत से लोग बोलते रोशनी अंधेरे में एक रोशनी की किरण किरण तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा प्रभुपात के इन ग्रंथों के लिए एक चमकता हुआ सूर्य है आ, इस इस भक्ति जगत के ललाट पे प्रभुपाद के ग्रंथ सूर्य के समान चमकते हुए ग्रंथ है तो इन ग्रंथों के माध्यम से जीवन का उद्देश्य कृष्ण कहाँ हमको जाना है हमारी अपनी क्या पहचान है वो सब हमको प्राप्त होता है तो जितना ज्यादा हो सके श्रील रोपात के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए प्रचार कीजिए वितरण कीजिए दान कीजिए ग्रंथों का जितना ज्यादा हो सके भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितमृत ब्रह्म संहिता अद्भुत अद्भुत ग्रंथ हैं प्रभुपाद के उनका अध्ययन कीजिए और जितना ज्यादा हो सके हरिनाम का जप कीजिए सत्संग कीजिए केवल यही इस कलयुग में पुनः भगवत धाम प्राप्ति का एकमात्र साधन है हरे कृष्णा। तो आज इस सत्र को इस ब्रह्म संहिता के सत्र को हम यही विश्राम देते हैं कल पुनः हाँ आपके सामने प्रस्तुत होंगे और बाकी के जो श्लोक हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे यथासंभव जितना कुछ टूटी फूटी वाणी में तो आज के लिए बस इतना ही कल पुनः आपसे भेंट होगी तब तक के लिए हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतिता नाम पावने वैष्णवेभ्यो नमो नम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे